साधु और चूहा। महिल रोपयम नामक एक दक्षिण शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मारकर पगने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भिक्षुक मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे भिक्षुक से मिल भी नहीं पाए। इसे अपना अपमान समझ भिक्षुक क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भिक्षुक को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को हरा सकता है। अगर बात मेरे कटोरे तक पहुंचने की हो तो मैंने हर कोशिशें की हैं, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरीके से भोजन चुरा ही लेता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा धन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल होते हैं, तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में लेवा ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख कर चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वो दड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास वो शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने भी छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर वापस मंदिर कभी नहीं आया। शिक्षा: यदि हमारे पास भी संसाधनों की कमी न हो, तो हमसे भी अद्भुत शक्तियां और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती।